शुरू कर देगा। वेलकम टू जेके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या को पढ़े थे और आज अपरिमेय संख्या से टॉपिक हम शुरू करेंगे। यदि अगर अच्छा करना है आपको लाइफ में, यदि आपका लक्ष्य बेहतर बड़ा है तो आपका प्रशिक्षण भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो आंखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर कभी समुद्र में उतर कर नहीं देखा। अरे मुझे चाहने वालों ने मुझे पत्थर दिल कहता रहा, अरे मुझे चाहने वालों ने मुझे पत्थर दिल कहता रहा, कभी दिल में उतर कर नहीं देखा। इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिसको पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके, या कह सकते हैं कि जिसको रूट में लिखा जा सके उसे रूट से न निकले, वह संख्या जो रूट से न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, कमा पाई। पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है कि अपरिमेय निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो जिसको रूट में से नहीं निकाला जा सके, जिसको रूट में रहता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी बनता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय अपरिमेय संख्या या दो परिमेय संख्या या तीन परिमेय संख्या लिखे, जैसे यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन हो गया आपको दो अपरिमेय संख्या रूट, यही ले लेते हैं रूट टू और रूट थ्री के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं किसी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें देखेंगे कि रूट टू का मान होता है 1.414। ये देख लेते हैं कि कैसे यह मान प्राप्त होता है। तो वर्गमूल आप एक क्लास में पढ़े होंगे, जैसे ये क्या हो गया रूट, सॉरी ये टू हो गया। टू में वर्गमूल निकालने के लिए ये दीर्घ विभाजन विधि है, टू का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ा बैठता है, एक ही है, इसमें एक जोड़ा रहता तो बैठाते और भी संख्या रहता, तो ये पहला जोड़ा हो गया। तो इसमें जिस अंक का पहाड़ा पढ़ा जाता है उतना ही बार पढ़ा जाता है। यदि वन का टेबल पढ़ेंगे तो वन बार पढ़ेंगे, टू का पढ़ेंगे तो टू बार पढ़ेंगे, यदि थ्री का पढ़ेंगे तो थ्री बार पढ़ना होता है। तो वन का वन बार पढ़ेंगे तो टू से कम हो रहा है, टू का टू बार पढ़ेंगे तो अधिक हो रहा है, तो वन का टेबल अधिक तो लिखा नहीं जाएगा। वन का टेबल वन बार पढ़ेंगे तो वन हो जाएगा, यहाँ वन बार में ले गए हैं। अब टू में से वन गया, क्या हो गया, वन हो गया, नीचे एड करके लिखते हैं।
अब यहाँ देखेंगे, अब तो यहाँ कुछ भी रखेंगे तो वन से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो एक जोड़ा जीरो उतरता है, तो अब यहाँ सही हो गया। यहाँ कोई भी, अब यहाँ अंक देखना है, कोई भी अंक रखेंगे तो यह 20 से अधिक हो जाएगा। तो 20 का कितना बार पारा पड़े हैं, 20 से अधिक यानी 5 रखेंगे तो नीचे भी 5, तो 25 125 125 अधिक हो रहा है तो 4 बार ले जाएंगे। 4 चौका, यहाँ गुणा करके लिखा जाए, 4 चौका 16, 4 गुणी 8 है 9, 10 में से 6 हो गया 4, 9 9 कट गया, 10 अंक दिया गया है तो अब 0 एक जोड़ा उतरते रहेगा, नीचे जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 के 2 हो गया। अब फिर यहाँ 400 हो गया, यहाँ कुछ भी अब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 से लगभग 300 के बराबर होगा, तो 300 दूनी 2 मर्त में ले जाएंगे तो 600 अधिक हो रहा है, तो 1 मर्त में ले जाएंगे तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, 1 का पढ़े एक बार पढ़े तो 1 हो गया, 1 काट है 8 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, 0 में से 4 0 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ 9 में से 8 गया 1 हो गया, ये 3 में से 2 गया 1, फिर एक जोड़ा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2, कुछ भी जहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2800 यानी 3000 के लगभग आ जाएगा। तो 3000 के पारे कितना देर पढ़ दें कि 11900 आ जाए, 3 चौका 12 यानी लगभग 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान जो लिखा जाता है यहाँ पे वर्गमूल निकाल के मान लिखा जाता है, ये तो समझ गए कि कहाँ से मान 2 का 3 का जिसका भी मान होता है वर्गमूल निकाल के यहाँ लिखते हैं, फिर रूट 3 का मान लिखेंगे तो 1.732 ये दोनों के बीच क्या लिखना है, यहाँ 1 1 है, अब यहाँ देखना है यहाँ 4 है यहाँ 3 है, ये दोनों के बीच में यदि 1.4 से अधिक लिखते हैं, मान लेते हैं 1.5 लिखते हैं, तो इससे बड़ा हो गया इससे छोटा हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1.51, इससे बड़ा दोनों के बीच में क्या लिखना है 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे √2 और √3 के बीच 5 परिमेय संख्या। अभी क्या समझा है 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 बहुत सारे लिख सकते हैं 1.56 1.67 सॉरी 56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 कहाँ तक लिख सकते हैं, इसके बीच तक ले लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग सीख लिए कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे इसको ध्यान देना है। जब अपरिमेय संख्या लिखना है तो वो क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है, जैसे 1.51 आ गया है तो 0 लिख देंगे, 1.51 01 001 000 लिख सकते हैं, एक ये हो गया, फिर दूसरा लिखना होगा 1.520 200 फिर 2 000 ऐसे डैश डैश, यानी यह कभी अपरिमेय संख्या इस प्रकार से लिखा जाता है कि वह कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक। इसके बाद जो है अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम लोग आज बनाएंगे। आपको पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए।
यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको HCF याद करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 135 और 225 का, तो पहला नंबर देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला को क्या A मान लेते हैं, चूंकि A बराबर 135 कॉमा B बराबर 225, इसमें से कौन बड़ा है, तो B वाला बड़ा है तो क्या लिखेंगे A स्मॉल B, यानी A जो है B से क्या है छोटा है, तो जो छोटा होता है उससे बड़ा वाला अंक में क्या करते हैं भाग देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर यदि A से भाग दे किसमें B में भाग देंगे तो इसका मान लो कि भागफल Q मर्त में ले जाए, तो Q मर्त में ले जाए तो यहाँ क्या R शेष बचे, तो ये भाज्य बराबर होता है सूत्र आपको भाज्य बराबर भाजक गुण है भागफल जोड़ शेष। ऐसे सूत्र का भाज्य बराबर A मान ले तो भाजक क्या हो जाएगा B और भागफल क्या हो जाएगा Q और शेष R, यानी A बराबर B Q प्लस R होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे 135 से भाग देना है 225 में, 135 दुना 270 अधिक हो जाएगा, एक मर्त में ले जाएंगे 135, पांच में से पांच गया जीरो, दो में से तीन नहीं घटेगा आरसी लेंगे, बारह में से तीन गया तो नौ हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, शेष आपको कितना प्राप्त हो गया है यहां लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो A आपको क्या है 225 है, भाज्य जो है भाज्य 225 है और किससे भाग दिए हैं 135 से भाग दिए हैं, कितना मर्त में गया है एक मर्त में, शेष कितना बचा है 90 बचा है। अब नीचे यहां लिख देंगे शेष इक्वल टू नॉट जीरो, यानी शेष जो है जीरो नहीं है, जब तक जीरो प्राप्त नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ये पहला केस हो गया, यानी पहला स्टेप हो गया, उसी प्रकार से दूसरा स्टेप में आप किससे भाग देंगे, ये 90 से भाग देना है 135 में, तो 9 दो दिन 18 दो मत में अधिक हो रहा है, एक मत में ले जाएंगे, 5 में से 0 गया 5, ये हो गया 4 हो गया, 13 में से 9 गया 4 हो गया, फिर सेम प्रक्रिया लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब ये सूत्र में लिख रहा है डायरेक्ट भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 135 बराबर 90 गुने 1 जो 45 शेष है, फिर यहां लिखेंगे शेष इक्वल टू नॉट जीरो, शेष जीरो के बराबर नहीं है तो फिर भाग देंगे, किससे भाग देना है 45 से, 45 से जो शेष बचता है उससे भाग देना है भाजक में जिससे भाग दिया जाता है, तो 45 दुने 90 हो गया, ये कट गया। अब यहां फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, प्रमेय का से अब लिखेंगे यहां पे कितना है 90 हो गया,
भाज्य 90 हो गया, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष क्या है यहाँ पे शून्य है, कट गया तो क्या है शून्य है, तो यहाँ लिख देंगे कि शेष इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया है, शेष जीरो प्राप्त हो गया है, तो नीचे लिखेंगे इसके कि अतः यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि शेष बराबर जीरो। हम यहाँ पे इस भाषा को लिख दे रहे हैं, अतः हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि शेष बराबर जीरो प्राप्त हो गया है, इसलिए एच सी एफ बराबर जिससे कटा है, किससे कटा है 45 से कटा है, तो हम क्या लिख देंगे 45 लिख देंगे। यदि तीन अंकों वाला यदि आ जाए 1 2 3 तो ये दोनों को तुलना करेंगे कि कौन छोटा है, छोटा वाला से बड़ा वाला में क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देने के बाद ऐसे होगा कि यहाँ पे कट जाएगा, कहीं ऐसा स्टेप जरूर आएगा जहां पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा जिस कोई अंक से कटेगा, जैसे मान लेते हैं कि 45 से कट गया, तो 45 से कट गया तो फिर अगला स्टेप यदि हमको शुरू करना होता तो हम किससे भाग देते 45 से, ये तीसरा अंक 364 है तो 364 में क्या करते भाग देना शुरू करते, फिर ऐसे प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप करते जाते तब तो क्या आ जाता शून्य आ जाता, तब वहां पे हम क्या लिखते एच सी एफ निकाल लेते। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीख लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयता से कैसे एच सी एफ निकाला जाता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रत्येक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, केयर और शेयर जरूर करें। थैंक्स।